प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर पहुंचे, भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की और कहा कि कांग्रेस की सरकार का मतलब है कि लूट की दुकान और झूठ का बाजार। लूट की दुकान का नया प्रोडक्ट है लाल डायरी, ये कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। इससे पहले सीकर में हुए एक प्रोग्राम में मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जाना था पर वो नहीं गए। उन्होंने सुबह ही ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में उनकी 3 मिनट की स्पीच हटा दी गई, इसलिए वे ट्वीट के जरिए पीएम का स्वागत कर रहे हैं। पीएम ने इस पर जवाब दिया कि उन्हें न्योता दिया गया था और स्पीच भी प्रोग्राम में रखी गई थी। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से विकास में रोड़े अटकाने का ही काम चल रहा है। कांग्रेस की सरकार का मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार। इस लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट है लाल डायरी। लाल डायरी चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो काम का हिसाब कैसे देगा। इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों ने नाम बदलने का पैंतरा चला। कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाए तो तुरंत कंपनी वाले नया बोर्ड लगाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जमात ऐसे फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए से नाम बदलकर इंडिया कर दिया। नाम इसलिए बदला ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात छिपा सके, आतंकवाद के आगे घुटने टेकने की बात छिपा सके। जैसे आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए क्विट इंडिया का नारा दिया था, वैसे ही समृद्ध भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, आतंकवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया जैसे नारे की जरूरत है। इनका तरीका वही है जो हमेशा दुश्मनों ने अपनाया है। इंडिया का नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। इंडिया नाम भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था, इसमें भी इंडिया था लेकिन मकसद आतंकवाद था। ये नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो गया। नाम नया, काम वही पुराना। भारत की परवाह होती तो वो विदेशियों से भारत में दखल देने की बात नहीं करते। सीकर शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है लेकिन यहाँ सत्ताधारी दल के लोग ही पेपर लीक का उद्योग चला रहे हैं। युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए कांग्रेस को हटाना पड़ेगा।